गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्लास थर्ड में हमने कल साइंस में लेसन फर्स्ट में जो अपनों ने पढ़ा था फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे अपनों ने, अब अपन उसका बी सेक्शन करेंगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो अपन ने अपने को लेसन का नाम बताइए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित और निर्जीव वस्तुएं। अब अपन इसका करेंगे राइट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो सब इधर देखना, नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं क्या उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है? तो निर्जीव वस्तुएं तो उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, सेकंड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव अस दे आर लाइफलेस, जो निर्जीव वस्तुएं होती है वो हिलती डुलती नहीं है और उनमें जीवन नहीं होता है। तो पता ही है निर्जीव वस्तुओं में जीवन नहीं होता है, वो हिलती डुलती नहीं है, तो ये आ जाएगा ट्रू। थर्ड है, ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट, जो एक छोटा बच्चा होता है वो वयस्क के रूप में बढ़ता है। तो अपने को पता है छोटा बच्चा वयस्क के रूप में बढ़ता है, ये आ जाएगा टू। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ है कि जीवित वस्तुएं जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से सांस लेती है, तो नहीं लेती है क्योंकि जीवित वस्तुएं जो होती है वो ऑक्सीजन से सांस लेती है, यानी कि ये लाइन आ जाएगी फॉल्स। अब आता है फिफ्थ, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम व्हिच न्यू प्लांट्स अराइज, जो पौधे जो होते हैं वो बीजों का उत्पादन करते हैं, किस लिए करते हैं? नए पौधों को उगाने में। तो ये बात सही है कि जो पौधे होते हैं बीजों का उत्पादन नए पौधे को उगाने में करते हैं, तो ये आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अभी अपनों ने जो है वो बी ट्रू फॉल्स किए थे, अब अपन मेज का कॉलम करेंगे जो अपना सी पॉइंट है। ठीक है, सी मेज का कॉलम में सबसे पहले अपना आता है ह्यूमन बींग्स, फिर आता है फिश, बर्ड्स, मिमोसा प्लांट, सीड्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो होता है यानी कि मानव शरीर, तो मानव शरीर जो होता है फोर्थ नंबर पे ब्रीथ थ्रू लंग्स लिखा है, फोर्थ नंबर पे यानी कि मानव शरीर जो है काई से अपने फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, तो इसको अपन मेंज करेंगे फोर्थ से। ठीक है, अपना सेकेंड पे है फिश। ठीक है, तो फिश किसके द्वारा सांस लेती है? ब्रीथ थ्रू गिल्स यानी कि अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। थर्ड अपना है बर्ड्स, अब बर्ड्स क्या होगा? यूजिंग विंग टू फ्लाई यानी कि अपनी पंखों की सहायता से वो उड़ते हैं। अब फोर्थ आता है मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्लांट्स को टच मी नॉट यानी कि छुई मुई भी करते हैं, तो ये आएगा अपना फोल्ड इट्स लीव व्हेन टच, यानी कि इसको टच करने पर ये क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। सीड्स, सीड्स का मतलब होता है बीज, तो बीज क्या करते हैं? ग्रो इनटू प्लांट, प्लांट को उगाने में हमारे काम आते हैं, तो इसको अपन मैच करेंगे। ठीक है, ये हमारी मैच हो गई है, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक आता है पिक द करेक्ट ऑप्शन। अभी अपनों ने मैच किए, उसके बाद अपना फोर्थ ऑप्शन आता है ऑप्शन डी, पिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अपने को जो है थ्री ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा सही है उस पे राइट का निशान लगाना है। ठीक है, फर्स्ट आपका है gives us energy to do work, ठीक है, हमें देते हैं क्या? एनर्जी, ऊर्जा काम करने के लिए। तो हमें काम करने के लिए ऊर्जा कौन देते हैं? प्लांट, फूड या ट्री। फूड का मतलब भोजन, यानी कि भोजन जो है हमें काम करने के लिए एनर्जी देते हैं, तो अपना इसका सही ऑप्शन होगा फूड, एनर्जी, फूड, सॉरी, इसका सही ऑप्शन हुआ फूड, यानी कि भोजन जो है हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। सेकेंड, फिश ब्रीथ थ्रू एयर, जो फिश जो होती है वो काई के थ्रू सांस लेती है, तो फिश हमें पता है गिल्स यानी कि गलफड़ों के थ्रू सांस लेती है, तो इसका राइट आंसर होगा गिल्स। ठीक है, थर्ड है इज फील थ्रू, जो मानव होते हैं, इंसान होते हैं, वो महसूस करते हैं, तो किसके द्वारा वो महसूस करते हैं? नेल्स, नाखून, हेयर, बाल या सेंस ऑर्गन, तो जो मानव होता है तो सेंस ऑर्गन के द्वारा कुछ भी महसूस कर पाते हैं। ठीक है, फोर्थ अपना आता है कोल्ड वाइब्रेट्स मेक अस, ठंडी हवा जो होती है हमें क्या कर देती है, या ठंडी हवा से हमें क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा शिवर, यानी कि ठंडी, इसका मतलब होता है कपकपी, यानी ठंडी हवा से हम कपकपा जाते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ फ्रॉग से ले, फ्रॉग क्या रखते हैं या क्या देते हैं? तो फ्रॉग्स जो होते हैं वो ईग्स, अंडे देते हैं, तो इसका राइट आंसर है ईग्स, एग्स। ठीक है, ये सब अपनी चेकबुक में एजुकेशन नोट कर लेना।